थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखी है और इस मुहिम में सारे लेडीज मिले, आत्मनिर्भर बनी है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो, आपका नंबर मुझे जे फेसबुक से मिला था, स्कूटी सीखना है मुझे। अपना ये 10 दिन का कोर्स है, डेली हाफ एन आवर। ओके, ठीक है। और कभी भी आप आ सकते हो, आफ्टरनून या इवनिंग में टाइमिंग है अपना। हाँ, और मैं बहुत ही अच्छे से आपको सिखाऊंगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। हाँ, बहुत ही इजी वे से, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको घर पे भी अगर प्रैक्टिस करना है तो आप अकेले कर सकते हो, आपको हस्बैंड की भी जरूरत नहीं, फैमिली के किसी भी मेम्बर को जरूरत नहीं है, आप अकेले भी प्रैक्टिस। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डेमो क्लास भी प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मेरे को साइकिल चलाना भी नहीं आता है, तो मेरे को डर लग रहा है, तो प्लीज़। कोई बात नहीं मैम, आपको नहीं आती साइकिल, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अभी मैम को भी साइकिल चलाना नहीं आता था, आज मैम का सेकेंड डे है, लेकिन बहुत अच्छे से मैम ने पिकअप किया है, आप देख लीजिए आज इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्कूटर चलाने से पहले सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम पूरे सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। ठीक है, क्राउडेड प्लेस में बहुत ही अभी डर लगता है, मिस कंट्रोल नहीं रहता, सामने देखती हूँ ना कि गाड़ी है आ रही है, तो कंट्रोल नहीं रहता, तो मुझे डर लगता है चलाना, वो मेरा मेन प्रॉब्लम है स्कूटी में। ओके, देखिए मैम, जब तक आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक्सपर्ट नहीं होते, तब तक आपको साइड साइड से जाना है। ठीक है, और एकदम स्लोली स्लोली आपको एक्सेलरेटर देना है। अगर आपको डर लगता है तो दोनों पैर नीचे रखो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको खाली दिखता है तो हल्का सा एक्सेलरेटर दो बस, और पूरा बॉडी आपको रिलैक्स रखना है, हाथ भी रिलैक्स रखना है, तब आपका बैलेंस रहेगा। अगर आप टाइट पकड़ोगे तो आपको बैलेंस जाएगा। ठीक है, बॉडी भी रिलैक्स होना चाहिए और हाथ भी रिलैक्स होने चाहिए आपके हैंडल पे, तभी आपका गाड़ी सीधा जाएगा एकदम। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं, बस मुझे वही है कि क्राउड में थोड़ा डर लगता है, आपने मुझे सॉल्यूशन, आपको लेफ्ट साइड पकड़ के ही जाना है। ठीक है, जब तक आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, लेफ्ट साइड से जाओ, लेफ्ट साइड से आना। देखिए मैम, आज आपका पूरा दिन, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको आज नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप डर जाएंगे कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करूँगी, हर एक स्टेप हम क्लियर करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज आपको क्या करना है, आप सिर्फ आज आपको गाड़ी को पुश करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे हम नॉर्मली वॉक करते हैं वैसे ही वॉक करना है, सिर्फ गाड़ी को साथ में लेके जाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्या करना है, सिर्फ हम वॉक करते हैं, नॉर्मली वॉक करना है, सिर्फ गाड़ी को पुश करना है, ऐसे गाड़ी को पकड़ना है, सिर्फ ऐसे पुश करना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका गाड़ी का डर निकल जाएगा। ओके, दो स्टेप क्लियर हो जाने के बाद ही हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, वैसे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आता है, पर आप कॉन्फिडेंस आने के बाद ही हम थर्ड वाला स्टेप लेंगे। थर्ड वाले स्टेप पे मैं क्या करती हूँ, आपको सारे फीचर समझाती हूँ। ओके, और फिर गाड़ी को हमको सिर्फ स्टार्ट करना है, लेकिन एक्सीलेटर हमको नहीं देना है। ओके, ठीक है, ये थर्ड वाला जो स्टेप है ये किस लिए है, कि आपका डर निकालने के लिए, जो हमारे अंदर हमारा डर रहता है ना, गाड़ी स्टार्ट करते ही हमको लगता है कि गाड़ी आगे ना बढ़ जाए, कहीं गिर तो नहीं रही, अपने आप तो नहीं चल रही, ऐसे डर लगता है ना। yes. क्योंकि हम गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाते कभी,
है ना, जैसे हम अभी देखो गाड़ी वाइब्रेट हो रही है लेकिन हमको डर लगता है ना, तो ये डर निकालने के लिए थर्ड वाला स्टेप है, सिर्फ हम गाड़ी का आवाज सुनेंगे और गाड़ी को पैरों से ही पुश करना है हमको, समझ में आया? देखो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है, सिर्फ गाड़ी से हमको ये एक्सेलरेटर जो है इसको लॉक करके रखना है, एक्सेलेरेटर नहीं देना है, नहीं इसमें ये स्टेप में आपको लॉक नहीं देना है, लॉक करना है। स्टेप हो गया, अभी फोर्थ स्टेप है आपका एक्सेलेरेटर देने का। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैं आपको समझाती हूँ कि एक्सेलेरेटर हमको कैसे देना है। ऐसा नहीं है कि एक्सी है और ये ब्रेक है, ऐसा नहीं है। एक्सी जो है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे एक प्ले एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लेना है, यहाँ पे ट्राई करना है कि गाड़ी आगे, देखो अभी अपने को 100 के स्पीड में नहीं जाना है, सिर्फ इतना एक्सी देना है कि गाड़ी जगह से हिले, हमको ज्यादा ज्यादा स्पीड में नहीं चाहिए, सिर्फ गाड़ी अपने को जगह से हिलना है, देखो कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हम एक धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी हमको धीरे धीरे सीखना है, तो क्या करना है यहाँ पे आपको टाइम लेना है, थोड़ा सा थोड़ा हल्का सा ऐसे देना है कि गाड़ी आगे जाती है क्या, हाँ यहाँ पे देखो मैं नीचे ही रखना है, अभी गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है, अपने को सिर्फ इतना ही चाहिए और वहाँ उसी स्पीड पे आपको ऐसे को होल्ड करके रखना है, हाँ होल्ड करके रखना है, एक छोटा सा स्पीड देना है, उसी स्पीड वो स्पीड कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक्सी को वहाँ पे होल्ड करके रखना है और सिर्फ आपको पैरों से चलना है, ठीक है, ऐसे और आगे देखना है आपको और सिर्फ धीरे धीरे ऐसे चलना है, ठीक है, हो गया ऐसे, ये हो जाने के बाद फिर मैं आपको बोलती हूँ एक हल्का सा एक्सी दो, रनिंग गाड़ी में ही आपको एक्सी देना है, ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी रुकाया और एकदम आपने एक्सी दिया, ऐसे नहीं, रनिंग गाड़ी में आपको धीरे धीरे एक्सी बढ़ाना है और पैर आपके हवे में आने चाहिए तभी, ठीक है, हाँ धीरे 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 पैर ऊपर लेना है सर, हाँ हाँ, क्योंकि जब आपका स्पीड बढ़ेगा तभी आप वॉक कर नहीं पाओगे, तभी तो ऑब्वियसली आपके पैर ऊपर आ जाएंगे, तो आपके सिर्फ हवे में आपको पैर रखना है, एकदम ऊपर रखने की कोशिश नहीं करना है, और जब मैं बोलूंगी तभी, ठीक है, तो क्या करना है आपको रनिंग गाड़ी में ही हल्का हल्का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, तभी आपके पैर ऐसे आएंगे। और ब्रेक पे उंगलियां होनी चाहिए जैसे मैम ने बोला, ब्रेक पे होना चाहिए दो उंगलियां, ताकि अगर बाय चांस आपने हल्का सा एक्सी दिया तो ब्रेक एक्सी को कम कर, मतलब दो उंगलियां रखना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ओके, बोला ना, नहीं तो क्या अभी लर्नर है ना, नहीं तो ब्रेक ढूंढते बैठेंगे कि ब्रेक कहाँ है, आदत नहीं है ना, इसके लिए हमेशा दो उंगली ब्रेक पे होनी चाहिए, ठीक है, पर हल्का एक्सी दो, हल्का सा वहाँ पे टाइम दो, अभी समझ लो ये आपका ब्रेक है, आपको क्या करना है हल्का सा घुमाना है, हल्लू से एकदम हल्का हल्का, अगर गाड़ी आगे बढ़ती है तो वही स्पीड अपने को चाहिए, रुको रुको रुको, पहले मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनिए, गाड़ी मूव होती है आगे से अपने को वही स्पीड चाहिए, वो स्पीड अपने को मेंटेन करने के लिए क्या करना है आपको एक्सी को वहाँ पे होल्ड करके रखना है, एक्सी को होल्ड, हाँ तभी एक जैसा स्पीड मेंटेन रहेगा, ठीक है, समझ में आया,
हल्का सा देना है, एकदम हल्का सा देना है, और पैरों से ही आगे बढ़ना है हमको, पैरों से ही वॉक करना है, ठीक है। ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। ब्रेक में उंगली रखना है, ब्रेक को प्रेस नहीं करना है, ठीक है। एक्सी को आप एक्सी पकड़े और हल्का सा एक्सी दो, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा, एक या दो पॉइंट, समझ में आया, एक या दो पॉइंट। अब गैस का बर्नर कैसे करते हैं, घुमाते हैं, हल्का सा घुमाते हैं ना, वैसे ही करना है, एकदम हम पास में लेके जाते हैं नहीं, पहले मिलम फिर सिम, वैसे हल्का सा एक या दो पॉइंट देना है आपको, और आगे देखो, ठीक है। एक्सी को सिर्फ फील करना है, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आगे देखो और हल्का सा एक्सीडेंट, ठीक है, एक या दो पॉइंट, और पैरों से आपको वॉक करना है, समझ में आया। चलिए हल्का सा एक्सी दीजिए कि गाड़ी मूव हो जाए, बस हल्का सा, हाँ बस होल्ड होल्ड, हाँ चलो चलो होल्ड, हाँ वेट मैम। मैंने आपका ये पूरा सेशन देखा, और जनरली क्या होता है कि लोग टू व्हीलर छोड़ के फोर व्हीलर पे ज्यादा जाते हैं सीखने के लिए, बिकॉज टू व्हीलर आई गेस सीख लेते हैं, लड़कियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हो सकता है फीमेल्स में आती हो। तो ये आपको आइडिया जो है कि टू व्हीलिंग वो भी स्कूटर सिखाने के लिए कैसा आपको आइडिया आया? सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत आया था जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, और मुझे उसको स्कूल पहुंचाना था, उसके डांस क्लासेस पहुंचाना था, लेकिन घर पे कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था कि वो मतलब उसको पहुंचा सके, और उसके क्लासेस भी इतने बंग होते थे, स्कूल में मैं नहीं पहुंचा पाती थी, और घर में जो मेरे हस्बैंड है वो भी काम पे जाते थे, तो मैं उसको कैसे लेके जाऊँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था कि उसको कैसे लेके जाऊँ। अभी ऑटो भी नहीं मिलता था, रिक्शा भी नहीं मिलता था, तो क्या करूँ। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि स्कूटी, अपने को स्कूटी आनी चाहिए, और हर एक लेडीज को आनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होते हैं, और घर के एक्चुअली क्या होता है कि जेंट्स काम पे चले जाते हैं, तो उनको सिर्फ संडे का दिन ही मिलता है सिखाने के लिए, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही इनिशिएटिव लेती हूँ कि हर एक लेडीज को सिखाने का, ठीक है। और सब लेडीज जेंट्स के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं सीखने के लिए, तो सोचा कि चलो अगर मैं सीखा, हमें ये सोसाइटी के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि कोई भी लेडीज किसी पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे हमने हमारा नंबर दिया है, और मैं फेसबुक पे भी कनेक्टेड हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, और यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम का है प्रीति नारायण के नाम से ही है, और फेसबुक पे भी प्रीति नारायणन के नाम से ही है, और यूट्यूब पे क्रेजी गर्ल के नाम से, फेसबुक पे है प्रीति नारायणन, PRETTI नारायणन, NARA RANANA, इंस्टा पे भी सेम है, यूट्यूब पे क्रेजी गर्ल के नाम से है। सब प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और इस मुहिम में सारे लेडीज मिले, आत्मनिर्भर बनिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम है सरिता विश्वकर्मा, आज मेरा 9वां दिन है, मैडम ये बताती है, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ।